नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। देश भर में ईडी की कार्रवाई जोरों पर है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस की कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को मुंबई की कंपनी मेसर्स रक्षा बुलियन और मेसर्स क्लासिक मार्बल्स के चार ठिकानों पर रेड की। इस रेड में जो मिला उसने सभी की आंखों को चौंधिया दिया। जांच एजेंसी ने छापे में 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त की है। इसकी कीमत करीब 47 करोड़ बताई जा रही है। ईडी के अफसरों ने मेसर्स पारेख एल्यूमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सराफा कंपनी के परिसर से कुछ गुप्त निजी लॉकर्स की चाबियां मिली थी। निजी लॉकर्स की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का इस्तेमाल बिना नियमों के पालन के किया जा रहा था। उसमें कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया। कौन आया कौन गया इसकी किसी को खबर ना लगे इसलिए लॉकर्स वाली जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। रक्षा बुलियन के एक लॉकर से 91.5 किलो सोना और दो अलग अलग लॉकर से 152 और 188 किलो चांदी जब्त की गई। पारेख एल्यूमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च 2018 से चल रहा है। कंपनी का आरोप था कि इसने बैंकों से झूठ बोलकर 2000 करोड़ रुपए के करीब का लोन लिया था। 2019 में इस मामले में 205 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के आप लगातार देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।